हमारे देश की सरकार ने एक सर्वे कराया है जिसकी मैं माहिती आपके बीच में रखना चाहता हूं। गेट करार लागू होने के बाद भारत के शेतकरी समाज और साधारण लोगों पर उसका क्या फर्क पड़ा है, क्या अंतर आया है, उसके लिए एक सर्वे हुआ। हमारे देश में एक बहुत बड़े अर्थतज्ञ हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बहुत खास मित्र हैं और भारत देश में बहुत समय तक ऊंचे पदों पर रहे हैं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता लोकसभा के हमारे देश के योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसके ठीक नीचे उपाध्यक्ष। तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत बड़े अर्थतज्ञ हैं, बंगाल के बहुत समय तक वित्त मंत्री रहे हैं। ऐसे एक विद्वान व्यक्ति ने भारत सरकार का एक सर्वेक्षण पूरा किया है। 2006 जून में वो सर्वेक्षण छपा है और उससे ये उन्होंने एक माहिती निकाली है कि गेट करार लागू होने के बाद भारत के साधारण लोगों की स्थिति और विशेष रूप से शेतकरी समाज की स्थिति बहुत खराब हुई है। उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं, उन्होंने बताया है कि गेट करार लागू होने के लगभग 12 साल में भारत के साधारण लोगों की गरीबी बहुत बढ़ी है, साधारण शेतकरी की गरीबी बहुत बढ़ी है। और उन्होंने गरीबी के आंकड़े दिए हैं, मेरे जैसे आदमी को हैरानी होती है, सारे देश को हैरानी है। 84 करोड़ लोग इस समय गरीबी की रेखा के इतने नीचे हैं कि जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपया नहीं है। गेट करार लागू होने के बाद की ये स्थिति है। 84 करोड़ भारतवासी एक दिन में 20 रुपये खर्च नहीं कर सकते। आप जरा सोचिए, 115 करोड़ का हमारा देश है, 115 करोड़ में 84 करोड़ लोगों के पास एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपया नहीं है। इसका सीधा मतलब है 84 करोड़ लोगों की एक दिन की आमदनी 20 रुपये से कम है। और प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट को ही आगे मैं बता रहा हूं कि 50 करोड़ लोगों की तो एक दिन की आमदनी 10 रुपये से कम, 50 करोड़ लोग, और 25 करोड़ लोगों की एक दिन की आमदनी 5 रुपये से कम है। और ये पिछले 12-13 साल में बहुत तेजी से हुआ है, गरीबी बहुत तेजी से बढ़ी है। फिर हमारे देश के प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की ही कमेटी की रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि गेट करार लागू होने के बाद छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, छोटे छोटे जो रोजगार करने के काम होते थे, वो बहुत तेजी से कम हुए हैं। छोटे उद्योग धंधे, रोजगार देने वाले सारे तंत्र धीरे धीरे खत्म हुए। और एक दो माहिती देता हूँ, गेट करार लागू होने के 12 साल में हमारे देश का खेती का जो निर्यात है वो बहुत तेजी से गिरा है। हम जो खेती का निर्यात करते थे 1995 में, उस निर्यात से हमारी जो कुल आमदनी होती थी, आज वो आमदनी हमारी 20-25% कम हो चुकी है, खेती से होने वाली आमदनी। और ये आमदनी कैसे कम हुई है, 1995 में जब ये गेट करार लागू हुआ था तब $1 36 रुपये का था। अब गेट करार लागू हुए लगभग 12-13 साल हो गया, अब $1 लगभग 50 रुपये के बराबर है। तो हमारा मतलब क्या हुआ कि पहले हम खेती का कोई भी वस्तु 36 रुपये का बेचें तो हमें $1 की इनकम होती थी, अब 2009 में खेती की 50 रुपये की वस्तु बेचते हैं तब $1 की इनकम होती है। माने वस्तु हमारी जास्ती जाती है, डॉलर हमारे पास उतना ही आता है जो 1995 में आता था। अगर आप इसको टक्केवारी में निकालेंगे तो 36 रुपये डॉलर से अब 50 रुपये डॉलर हो गया, लगभग डॉलर की पोजीशन में 25-30% की गिरावट आई है। और यही गिरावट हमारे खेती से होने वाली आमदनी में भी आई है, और इसी गिरावट के कारण हमारे शेतकरी समाज को गरीबी और ज़्यादा आई है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि गेट करार लागू होने से ये शेतकरी समाज और खेती को नुकसान हुआ कैसे। मैं आपको एक छोटी सी माहिती देता हूँ। गेट करार की बहुत सारी शर्तें हैं, गेट करार का मैंने बहुत अभ्यास किया लगभग 10-12 साल, और उस अभ्यास के बाद सारे देश में मैंने 10,000 से ज़्यादा व्याख्यान दिए गेट करार पर। गेट करार एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें 155 देशों ने सही किया है। इसमें से 20-25 देश हैं जो बहुत श्रीमंत हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे कनाडा है, जैसे ब्रिटेन है, जैसे फ्रांस है, जैसे जर्मनी है,
जैसे स्विट्जरलैंड है, जैसे स्वीडन है, ऐसे 20 से 25 देश बहुत श्रीमंत हैं जो गेट करार में सही किए हैं, और बाकी के 125 देश बहुत गरीब हैं। बहुत गरीब देशों में जैसे बोत्सवाना एक देश है, बहुत ही गरीब देश है, अफ्रीका का देश है, बहुत ही गरीब है। वहाँ तो पूरे देश की सकल आमदनी की जब बात की जाती है तो एक आदमी की आमदनी रुपए में जब गिनी जाती है तो 1.5 से 2 रुपए से कम पड़ती है उनके यहाँ। तो बोत्सवाना है, अफ्रीका के छोटे छोटे देश है, नाइजीरिया है, सोमालिया है, इथियोपिया है, फिर उसके बाद लैटिन अमेरिका के देश हैं, ब्राज़ील है, मेक्सिको है, चिली है, कोस्टारिका है, कोलंबिया है, फिर और साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। तो 125 देश तो बहुत गरीब है और 25 देश हैं जो बहुत श्रीमंत हैं। उनकी श्रीमंताई का अंदाजा आप लगा सकते हैं, अमेरिका जैसा श्रीमंत देश अपने शेतकरी समाज को दर वर्षी 400 अबज डॉलर की सब्सिडी देता है। 400 अबज डॉलर, 400 बिलियन डॉलर, 400 अरब डॉलर अमेरिका की सरकार अपने शेतकरी समाज को सब्सिडी देती है। इस सब्सिडी का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो क्या है। अगर अमेरिका का कोई शेतकरी खेती करे और खेती में वो ये कहे कि मेरे पास 1 अरब $1 का उत्पन्न है, अमेरिका का कोई शेतकरी $1 का उत्पन्न अगर अपने क्षेत्र में करता है तो अमेरिका की सरकार उस $1 के उत्पन्न को अमेरिका से शेतकरी से 400 देकर खरीद लेती है, $400 देके खरीद लेती है। $1 का उत्पन्न वो $400 देके खरीद लेते हैं, माने शेतकरी को उत्पन्न से 400 पट जास्ती मुनाफा वो दे देते हैं। अब वो उत्पन्न को फिर वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री करते हैं और उस बिक्री के कारण वो सस्ता हो जाता है क्योंकि सरकार के पैसे बहुत लग गए हैं उसमें। तो अमेरिका के शेतकरी का जो शेत उत्पन्न है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सस्ता आके बिकने लगता है। भारत में इसका उल्टा होता है, भारत की सरकार शेतकरी को सब्सिडी तो देती नहीं है, माननीय शरद जोशी के हिसाब से अगर कहूँ तो निगेटिव सब्सिडी देती है। शेतकरी संगठन वाले यहाँ बैठे हैं उनके हिसाब से कहूँ, उनका बड़ा अच्छा कैलकुलेशन है कि सब्सिडी तो देती नहीं, निगेटिव सब्सिडी है हमारे यहाँ, माने शेतकरी से उल्टा खींच लेती है हमारी सरकार, शेतकरी को तो देती नहीं है। तो यहाँ के शेतकरी को तो कोई खास सब्सिडी है नहीं और अमेरिका के शेतकरी को $400 अबज साल की सब्सिडी है। आप सोचेंगे कि इतने असंतुलित जमाने में कैसे शेतकरी खड़ा रहे। हमारा शेतकरी खेती करता है, कर्ज लेता है, बैंक से कर्ज लेता है, बैंक के बाद उनकी सहकारी पद संस्थाओं से कर्ज लेता है, सहकारी पद संस्थाओं का कर्ज 14-15% के ब्याज पे पड़ता है, बैंक का कर्ज भी 7-8% के ब्याज पे पड़ता है, और अमेरिका का शेतकरी जब कर्ज लेता है बैंक से तो उसको ब्याज ही नहीं देना पड़ता और उनके यहाँ तो निगेटिव ब्याज होता है, माने सरकार अपनी तरफ से शेतकरी को मदद करती है। तो अमेरिका का शेतकरी बिना ब्याज के कर्ज लेके खेती करता है, भारत के शेतकरी को ब्याज भर के खेती करनी पड़ती है, ब्याज देनी पड़ती है अपने कर्जे पर, और भारत का शेतकरी सबसे जास्ती ब्याज देता है कर्जे पर, जो कोई नहीं देता इस देश में। अभी 3-4 साल पहले तक तो भारत के शेतकरी को 14% का ब्याज था हमारे देश में, और सहकारी पद संस्थाओं में तो 18-20% का ब्याज था, और अगर प्राइवेट मनी लेंडर से वो कर्ज लेता है तो ब्याज का दर 100% भी हो सकता है, 150-200% भी हो सकता है। तो भारत का शेतकरी बहुत ज़्यादा ब्याज लेके, बहुत ज़्यादा ब्याज देके कर्ज लेता है, अमेरिका के शेतकरी को ब्याज ही नहीं भरना पड़ता। भारत का शेतकरी अपनी वस्तुएं सरकार को बेचता है तो सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव से भी कई बार सस्ती कीमत पर खरीदी कर लेती है, वहाँ भी शेतकरी मार खा जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका की सरकार अपनी शेतकरी को एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है और भारत की सरकार ऐसी कोई सब्सिडी नहीं देती है। तो अंत में निर्णय क्या आता है, अंत में फैसला जहाँ जाता है या बात जहाँ जाके रुकती है वो ये कि भारत के शेतकरी का माल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाते जाते महंगा हो जाता है क्योंकि यहाँ ब्याज ज़्यादा देनी है, सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट सब्सिडी भी नहीं है, और सरकार को शेतकरी समाज की अगर टोटल सब्सिडी है तो वो निगेटिव है। इन तीनों बातों से मिलकर भारत के शेतकरी का कोई भी उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा होता है और अमेरिका और कनाडा और यूरोप के शेतकरी का उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय बाजार पेट में सस्ता होता है। अब सस्ता उत्पन्न है तो जास्ती बिकेगा, महंगा उत्पन्न है तो कम बिकेगा, यही चक्कर में भारत के शेतकरी समाज की वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम बिकती हैं। और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब शेतकरी समाज की वस्तुएं कम बिकती हैं तो उसका दोनों तरफ ऋणात्मक प्रभाव आता है, पहला तो माल कम जाता है, दूसरा शेतकरी को आमदनी कम होती है।
इसके विपरीत दूसरे देशों के शेतकरी को जब ज़्यादा सब्सिडी वाला माल भारत में आके बिकता है, क्योंकि WTO की एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार कोई भी देश के शेती का माल किसी भी देश में जाकर आसानी से बिकेगा, तो अमेरिका का शेत उत्पन्न भारत में आके बिक सकता है, यूरोप का शेत उत्पन्न भारत में आके बिक सकता है, तो अमेरिका और यूरोप के देशों की कापूस आके भारत में बिकना शुरू हो गई है। अब अमेरिका की कापूस और यूरोप की कापूस भारत में आके बिकती है तो उसका बाजार भाव 1500 रुपये 1600 रुपये क्विंटल के आसपास होता है, और भारत के शेतकरी समाज की जो कापूस होती है खराब से खराब कापूस 1700-1800 रुपये क्विंटल की होती है, तो भारत की शेतकरी की कापूस महंगी और अमेरिका के शेतकरी की कापूस सस्ती, तो भारत के बाजार में भी अब विदेशी कापूस जास्ती बिकती है, तो कापूस उत्पन्न करने वाले शेतकरी समाज की कापूस कम बिकती है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव कम मिलता है, दूसरे अपने ही देश के बाजार में कापूस कम बिकती है, दोनों का ही दुष्परिणाम ये होता है कि कापूस उत्पन्न करने वाले शेतकरी को आमदनी कम होती है और वो आमदनी उसके खर्चे से भी कई बार कम होती है, तो बैंक का खर्चा इतना लागत बढ़ जाती है कि वो कर्जे में डूब जाता है और अंत में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। हमारे देश में टाटा इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च कराया, सर्वे कराया विदर्भ में शेतकरी समाज की आत्महत्या के विषय, तो उसमें पता चला कि बहुत सारे कापूस उत्पन्न करने वाले विदर्भ के जो शेतकरी हैं उनका जो कापूस उत्पन्न का खर्चा है उससे कम कीमत पर उनकी कापूस बिक रही है बाजार में। खर्चा आता है 1700 रुपये क्विंटल, खर्चा आता है 1800 रुपये क्विंटल, और कापूस बिकती है 1500 रुपये क्विंटल, 1400 रुपये क्विंटल, 1350 रुपये क्विंटल, ऐसी स्थिति हमारे यहाँ। और एक समय क्या आता है कि जब आप खर्चा ज़्यादा करें खेती में और उत्पन्न आपका ना बिके उस भाव से जिस भाव का खर्चा आपने किया, तो हर समय आप घाटे घाटे और घाटे की खेती करें, और घाटे की खेती की पूर्ति करने के लिए बैंक से कर्जा लें, और बैंक के कर्जे को ब्याज देने के लिए कर्जा लें, फिर कर्ज का ब्याज और ब्याज का कर्ज, यही चक्कर में किसान आत्महत्या कर ले, ऐसी हालत हमारे यहाँ है। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।